अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। तो आज है सिख सहरी और सहर से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सहर में हम लोग खाते हैं सिर्फ चाय पराठा और अगर बाय चांस कुछ ग्रेवी सालन वगैरह बच जाता है तो वो रात का खा लेते हैं, नहीं तो फिर हम लोग सिर्फ चाय पराठा और बेकरी आइटम ही चाय से खाते हैं सहर में, बिकॉज़ खाया नहीं जाता इतनी सुबह सुबह। फिर सहर के बाद नमाज वगैरह पढ़ के मैं सो गई थी और उसके बाद रुशान को स्कूल छोड़ने आई, तब मैं लेकर आई चिकन बिकॉज हस्बैंड ऑफिस गए थे। तो फ्रेंड्स, रमज़ान के ईद के कपड़ों की सिलाई का काम मेरा स्टार्ट हो गया है और अभी बज रहे हैं 3:30 और मुझे अब जाना पड़ेगा किचन में इफ्तारी और शाम का खाना बनाने के लिए। तो ये जो ड्रेस है, ये ड्रेस अम्मी का है, अम्मी मतलब कि मेरे सास का। मेरी शादी को अल्हम्दुलिल्लाह 8 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं और 8 ईयर्स से उन्होंने मुझसे ही कपड़े सिलवाते हैं। मैंने अभी कुछ दिन पहले सिलाई बंद कर दी थी। उन्होंने एक दो मर्तबा बाहर ड्रेस सिलवाए हैं टेलर के पास, बट उनको पसंद नहीं आते हैं। उनको मेरे ही हाथ के सिले हुए कपड़े पसंद आते हैं, तो बोले कि उनके ईद के ड्रेसेस मैं ही सिल दूँ। तो मेरा ये काम जारी था, अब मुझे जाना है इफ्तार बनाने के लिए। तो अभी तो 3:30 ही बज रहे हैं, बट अभी से इफ्तार बनाने का मकसद ये है कि मैं अगर फटाफट इफ्तार बना लूँगी तो इंशाल्लाह असर तक कंप्लीट हो जाएगा और फिर मैं असर में कुरान पाक पढ़ूँगी, बिकॉज़ आज मैंने फजर में बिल्कुल भी कुरान पाक नहीं पढ़ी हूँ। बिकॉज़ आज सुबह ही सुबह एक बैड न्यूज़ आ गई थी, मेरी बहन के ननंद के बेटे का इंतकाल हो गया है, अचानक ही हुआ है। अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता करे और उसकी मग़फ़िरत करे। तो अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ कुकिंग, पहले मैं ये बर्तन लगा लेती हूँ फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो सबसे पहले मैंने बना ली हूँ ये फालूदा। फालूदा बन करके रेडी हो गया है और ये अब रूम टेम्परेचर पे आ गया है, तो मैं इसको फ्रिज में रख लेती हूँ। आज रोज़ फ्लेवर वाला फालूदा बनाई हूँ मैंने, अभी मैं इसको फ्रिज। तो चिकन पोटैटो कटलेट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये चिकन लिया है, ये अंदाज़न 300 ग्राम्स होगा, आधा किलो से कम है, ये 300 ग्राम्स चिकन है। और यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के पोटैटोज़ को इस तरह से बड़े बड़े पीसेस में कट किया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये छोटा सा एक ग्लास भर करके पानी और इसमें मैं डालूँगी नमक और इसको कुक होने के लिए रख दूँगी। इसमें ऐड किया है जिंजर गार्लिक पेस्ट, बिकॉज चिकन की स्मेल नहीं आती है, फिर इसके लिए मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड करती हूँ। इसको हमने अच्छी तरह से गला लेना है जब तक ये पानी भी सूख जाएगा। तो चिकन और पोटैटोज़ अच्छी तरह से गल गए हैं, चिकन के मैं रेशे रेशे कर लूँगी और पोटैटोज़ को मैश कर लूँगी। तो आज मैं रगड़ा भी बना रही हूँ। रगड़ा बनाने के लिए मैंने बटाने और आलू को कुकर में गलने रख दिया है और यहाँ पर मैं इमली भिगोई हुई थी उसको मैश कर रही हूँ और यहाँ पर गुड़ मैंने कट करके रखा है, स्ट्रेनर मैंने यहाँ इस पर रख दी है और इसी में मैं ये इमली का गूदा डाल के इसका पूरा पल्प निकाल लूँगी। इस तरह से इसको मल मल कर मैं इसका ये पूरा पल्प अलग कर रही हूँ, देखिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह से पानी डाल डाल कर मैंने इस तरह से इसका पूरा गूदा अलग कर लिया है और अब इसमें और थोड़ा पानी डाल करके मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी। मैंने गुड़ और इमली का जो गूदा था दोनों को मैंने यहाँ पकने के लिए रख दिया है। अभी कुछ देर मैं फ्लेम फुल रखूँगी, उसके बाद फिर इसको लो फ्लेम पर पकाऊँगी। और हमने इसमें क्या क्या ऐड करना है मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ वटाने, यहाँ पर वटाने और आलू मेरे अच्छी तरह से गल गए हैं। देखिए अच्छी तरह से गल गए हैं। मैंने वटाने रात से ही भिगा के रख दी थी और उसमें हल्दी और नमक डालकर मैं इसमें आलू के साथ इसको गला लिया है। मैं इसमें कुछ भी मसाले नहीं ऐड करती हूँ, सभी मसाले मैं इसको गलाने के बाद इसमें ऐड करती हूँ। इमली और गुड़ का पानी यहाँ लो फ्लेम पर पकने लगा है, अभी मैंने इसमें ऐड किया है ब्लैक सॉल्ट, मैं आपको बताना भूल गई। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये छोटा सा जो चम्मच है मेरा, इससे एक चम्मच मैंने ऐड किया है रेड चिली पाउडर और एक चम्मच मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ज़ीरा पाउडर। बाकी जब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं, बाउल्स में रगड़ा निकालते हैं, तब ऊपर से ये सब डालते ही हैं, लेकिन मैं ये बनाते टाइम भी इसमें डालती हूँ। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ।
जो ज़ीरा पाउडर मैंने इसमें ऐड किया है वो भुने ज़ीरे का पाउडर था। अब ये पक गया है, अभी मैं इसको बंद करती हूँ। तो ये रगड़े की जो चटनी है हमारी, इमली और गुड़ की, रेडी हो गई है। तो चिकन को मैंने इस तरह से यहाँ रेशे रेशे कर लिए हैं और पोटैटोज मैश कर लिए हैं। अभी मैं इसमें इसको मिक्स करूँगी और इसमें हमको क्या क्या मसालों की ज़रूरत है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एक मीडियम साइज़ का अनियन, जिसे मैंने फाइनली चॉप कर लिया था। और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एक मुट्ठी हरा धनिया, उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ग्रीन चिल्ली पेस्ट। आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर दीजिए, मैं अपने अकॉर्डिंग ऐड कर रही हूँ। और फिर उसी के साथ मैंने इसमें ऐड किया है हरा धनिया, सॉरी धनिया पाउडर 2 टीस्पून भर के। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स किसी भी कटलेट का, गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला पाउडर मैं इसमें 1/2 टीस्पून ऐड किया है, मुझे कम लग रहा था तो मैंने एक चुटकी ऊपर से और ऐड किया। उसके बाद मैंने इसमें ऐड की 1/4 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, ये बहुत तीखा वाला रेड चिल्ली पाउडर है इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड किया है। फिर मैंने उसमें ऐड किया है नमक, नमक हमने पहले भी ऐड किया था इसलिए मैं थोड़ा सा नमक ही अभी इसमें ऐड कर रही हूँ। फिर मैं इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। आज हम बना रहे बेटा चिकन के कटलेट, तो इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अभी मैं इसके कटलेट बना के रख लेती हूँ। देखिए इस तरह से अच्छी तरह से बाइंड हो रहा है, इस तरह से होना चाहिए। अभी मैं इसके कटलेट बनाती हूँ। असर की अजान भी हो गई है, तो मसाला मिक्स करके मैंने कटलेट यहाँ पर बना ली हूँ। अभी मैं नमाज़ असर अदा करती हूँ और फिर उसके बाद इसको फ्राई करूँगी। यहाँ पर एक अंडे में मैंने थोड़ा सा नमक और चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं, इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। तो इस तरह से अंडे में हमने ये जो टिकिया है इसको डिप करना है इस कटलेट को, और गरम तेल में इसको छोड़ देना। तो ऑयल में डाले हुए मुझे इसको 2 मिनट हो गए हैं, अब मैं इसको टर्न कर रही हूँ। ये अंडा है इसके लिए बहुत जल्दी जल्दी ऊपर से फ्राई हो जाता है, लेकिन हमने इसको मीडियम गैस पर फ्राई करना है अच्छे से गोल्डन होने तक। और वैसे भी चिकन इसका गला हुआ है, पोटैटोज जो है वो गले हुए हैं, तो इतना ज़्यादा इसको मतलब कुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट फिर भी हमने इसको थोड़ा सा गोल्डन कर लेना है। तो अंडे की इतनी स्मेल नहीं आएगी जितना कि कच्चा रखने पर आएगी। मेरी गोल्डन ब्राउन हो गया है कटलेट, अभी मैं इसको निकालने लगी हूँ। और अभी 6:30 हो गए हैं और फ्रूट्स वगैरह कट करने तक इफ्तार का टाइम हो जाएगा, फिर दुआ भी करनी रहती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज टाइम से मेरा सब कुछ बन करके रेडी हो गया है। मेन असर की नमाज़ और इफ्तार के पहले की जो दुआ, ये दोनों चीज़ें लेडीज़ से मिस हो जाती है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो प्लानिंग प्लॉटिंग से काम करो तो फिर सही रहता है।
ला ला ला।